अरे भाई, हेलो हेलो, रेड जैकेट जरूरी है सर, जरूरी है। गाड़ी के साथ मैचिंग तो करनी थी। इन्होंने मुझे पहले ही पहनाया है कि इनको मेरा पक्का रिएक्शन चाहिए। फिर से इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि गाड़ी कौन सी आ रही है। हमारे दिन का तीसरा शूट है और आज जितनी गाड़ियों में हमने कर लिया है ना बेटा, यार नाइस नाइस। आपने एक चीज चेक करनी खाली, पूरी फरारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने वाली, इधर आओ ये चेक करो, उसके एक कट देखो, ये ऐसे नहीं होती है, डाउन फोर्स के लिए है ताकि गाड़ी उल्टे ना, ट्रैक्शन के लिए है। वेरी नाइस। चलें जी आओ, बेस्ट सीन है ब्रो। तो अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैच और फूड ऑन व्हील्स के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो व्हील्स हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए मेरा ख्याल है फूड पे इतना जोर नहीं देंगे आज के एपिसोड पे। और सहीफा को हमने सरप्राइज भी किया फूड के साथ, व्हील्स के साथ। और कैसी लगी हुई गाड़ी हमारी? आज दिन की तीसरी वीडियो है। और हर वीडियो के बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेने में होटल जाती हूँ। आई वॉज इन फीलिंग वेल, तो सुनील भाई ने कहा जरा रेस्ट वेस्ट करो, तो अगली गाड़ी मैंने भी कहा अच्छा होगी, कोई मतलब डिस्कशन होती है कि क्या होगी गाड़ियाँ ये वो, लेकिन आई डिड नो कि इट विल बी दिस एंड आई आल्सो डिड नो कि खुद भी तैयार होके आ जाएगी गाड़ी के साथ। मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ पहले वाले कपड़े पर जैकेट पहन ली है, मैं कह जरा गाड़ी रेड रेड है। उन्होंने कहा अच्छा नाम नहीं बताया अभी हमने कहा। अच्छा गाड़ी का नाम क्या? चले मैं एक मॉडल वेरियंट पता है आपको इसका? फरारी है सर, मुझे तो यही पता है, F599। फिरानो कहते हैं इसको, और इसको F59 GTB भी बोलते हैं। ये 2006-7 से लेके 12-13 तक आई है, ये 2009 का मॉडल है। एंड खूबसूरती आप इस गाड़ी की चेक करें, इसका जो इंटीरियर का जो कम्बिनेशन है रेड, वैसे तो अक्सर रेड फरारी कहते हैं, ये है वाइट बट इस पर रेड स्ट्राइप्स हैं। हमारे दो शिराज हैं उनकी गाड़ी है, और हमने पहले इसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी किया था, मैंने बिल्कुल देखा था ये वाला। बट अगर आप इसके इंटीरियर देखें और रेड, मतलब मैं कहता हूँ कि इतना रेड है कि बंदा खुश हो जाता है तो बैठ कर, ऐसे जैसे ब्रांड न्यू नहीं होती। और आपको वैसे भी रेड पसंद है? मैंने मुझे पसंद है, और गाड़ी के अंदर रेड लगता भी, देखे कितना खूबसूरत है, इसकी सीट बेल्ट भी रेड है, डैशबोर्ड ये देखे माइक्रो फाइबर जो है ना, कार्बन फाइबर जो है आजकल हर लोग माइक्रो कहने लगा था, कार्बन फाइबर जो लोग कॉपी बनाते हैं, ओरिजिनल कार्बन फाइबर इसकी सीट्स के साइड पे, इसके दरवाजों पे। मैं कहता हूँ कि अटेंशन टू डिटेल खत्म है गाड़ी की। इंजन साइज पता है क्या? गैस करो क्या? 4000 तक का ही तो हम चला रहे हैं। 599 GTB इज अ कार, 599 GTB 6000 cc, V12 आम गाड़ी में, हम V6 V8 हमारे मुल्क में बड़ा समझते हैं, इसे V12 599 GTB इसको बोलते हैं। और यही इंजन जो है एंजो फरारी में भी आता था, जो कि बड़ी शोर है, अफाक फरारी है। और जो इसकी मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है जिंदगी में दूसरी बारी फरारी चला रहा हूँ, और दोनों दफा पाकिस्तान में चलाई है। बाहर फरारी चलाने का वो मजा नहीं जो अपने मुल्क में आता है। परेशानी होने आपने एक दफा पिक देखनी खाली। आवाज चेक की आपने, पैडल शिफ्टर्स का रिस्पॉन्स चेक करो, और बाकी अगर हम इसके अंदर देखें तो मतलब इसकी चौड़ाई देखो कितनी ज्यादा है, वैसे बंदे को लगता है कि छोटी गाड़ी है, अगर डिस्टेंस एक डिस्टेंस दूसरी डिस्टेंस देखो कितना है, यहाँ पे आप हाथ नहीं रख सकते। गाड़ी ओवरऑल भी पहली बारी जब मैंने देखी थी, मैंने सड़क पे देखी बाहर, मेरा ख्याल है वो गाने में भी आई थी, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया ना, वो गाना था, उसमें कन्वर्टेबल वाली आई थी, याद है कौन से गाने की बात हो रही है यार, Race 2-3 में कहीं आई थी मूवी में, लाल रंग की थी बट कन्वर्टेबल वाली थी। सो ये है इस गाड़ी की खासियत। अच्छा फरारी की एक्साइटमेंट में मैंने चलाते चलाते सुबह से तकरीबन शाम कर दी है और अंधेरा हो गया, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें वहाँ चलना चाहिए और हार्ले डिस्ट्रिक्ट जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हार्ले डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या क्या कर रहा है, और वो जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी बेचारे कहेंगे गायब हो गए। मैं ज़रा एक्साइटमेंट में गाड़ी की ना परेशान हो गया, इधर उधर लंबा ही निकल गया और अंधेरा हो गया। आई एम श्योर कि अब थोड़ी लाइट जो है काम कर रही है, लेकिन उतना नज़र नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। सो लेट्स गो टू हार्ले डिस्ट्रिक्ट नाउ। बट ये बात है मानने वाली कि मतलब मैं तो कहता हूँ, कहते हैं ना चस आ गई, वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है इसका। आपने जो इससे पहले चलाई थी वो कौन से ईयर की थी? वो तो बहुत पुरानी, वो 1987 की थी, लेकिन उसका भी कुछ लैम्बोर्गिनी 2006 तक की भी चलाई है बट 2009 की भी चलाई है। और ये मच्छर हमें ये देखा क्या मारा है? नहीं मारा। अब गया। और ये ब्लूपर्स भी जाना चाहिए, ये जाना चाहिए कि मतलब बाली की हम ये बता देना तालियां यूं मोड स्किल सिंक कर रहा होता। अच्छा जी ओए होए होए, अनटेम्ड हॉर्स ही होता, लेकिन जो इसके ट्रैक्शन कंट्रोल है वो इसको टेम कर देता है, देखा अभी हम, बहुत शदीद किस्म के। अच्छी बात है, अगर ये ना हो तो बंदा पता नहीं पागल ही हो जाए। सो अब हम
ये पहुंच चुके हैं हार्ले डिस्ट्रिक्ट. आई डोंट नो. अच्छा ये रहा. Yeah. ये रहा अंधेरा सा हो गया, लेकिन ये कि उनकी लाइटें बड़ी आला. वी आर ओपन. भाई बाइक्स जो खड़ी हैं वो बड़ी आला. आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक भी कमाल कमाल खड़ी हैं. और अब हम चलते हैं हार्ले डिस्ट्रिक्ट की तरफ. तो अब हम अंदर आ चुके हैं. मेरे ख्याल से सहीफा जो है ना वो बहुत, आपको शायद नहीं लगता, लेकिन बहुत डेयरिंग खातून है. इन्होंने मुझे भी कहा कि मैंने सुपर बाइक लेनी है दिसंबर में. पहले हमने ईवी पे सफर शुरू किया, उस दिन हम ईवी से गिरे भी. हाँ. लेकिन तो हम चाहते हैं बड़ी बाइक से गिरे. अब हम बड़ी बाइक से गिरना चाह रहे हैं. और हार्लेस के अंदर मैंने मशवरा ये दिया था कि अगर स्टार्टिंग करनी है तो 883 से करो. इट हैज टू बी 883. पाकिस्तान में सबसे छोटी बाइक 883 है ये वाली. देखो इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े आसान होंगे व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ ग्राउंड. ये 883 नॉर्मल वाली नहीं है, कोई और वर्जन है. इट इज कॉल्ड सुपर लो. सुपर लो का मतलब क्या है? सुपर नहीं, आपके दिमाग से निकल रहा. ग्राउंड से थोड़ा करीब हो जाती है. ठीक है, सही. हर चीज सुपर ही है ना. हम भी करीब होने चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही. लाइफ ये स्टार्ट. अब ये धक्का दे रहे. ये वाली स्टार्ट हो सकती है कि नहीं? इसकी 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 मैं तुम्हें स्टार्टिंग सुनाता हूं. एक बड़ी मजे की स्टार्टिंग, मेरी फेवरेट स्टार्टिंग. आप कोई किसी एक्साइटिंग बड़ी बाइक नहीं है मैंने, मैं उसको भी इसको मैं तुम्हें चला के दिखाऊंगा. 883 जो है ना वो इंजन साइज 88 भाई. अगर गिर गई तो गिर गई तो तुम्हारी मेरी पेमेंट लेनी हुई है अभी. गिर गई तो आपकी है. हां जैसे मेरे 883 जो है ये इंजन का साइज है. ठीक है, जो नॉर्मल जो यहां से दिस इज 883. आई वाज सेइंग कि लेना चाहिए ये वाली पे बैठ के. ब्लैक है इसमें, लाल रंग का भी था 883 वैसे. हां लेकिन ये खवातीन के साथ हम लोग लाल रंग हमें जोड़ देते हैं. ब्लैक मतलब चेन कलर तो आप कोई कैसे भी कर सकते हैं ना किसी में. पहले बैठे फिर उसके वाला. ये थोड़ा हाइट पे ऊंचा है उससे. इससे इंजन सेम है. कैन यू फील द डिफरेंस? या या पैर और नहीं, पैर और घुटना और ये पोजीशन देखो कैसी है. इस पे गिरोगी तो घुटना जल्दी टूटेगा. हाँ. उस पे कम बिकॉज ऊंचे से गिरोगी वो करीब से. घुटना है ना वो तो नहीं, उसको नहीं नहीं बच जाएगा. आपको हम लगा के देंगे इंजन गार्ड. अच्छा इंजन गार्ड नहीं बचेगा, घुटना फिर भी नहीं बचेगा. नहीं नहीं बच जाता यार. टूटना जरूरी क्यों है? हम क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरा घुटना टूटना? ये पता नहीं सुनील भाई तोड़ने पे लगे हैं. घुटना टूटने का एक दिन मुकर्रर है. मैं देख रहा हूँ ये खवातीन को कि राइडिंग को वो नहीं कर रहे प्रमोट. हाँ. आप जरा ठीक से प्रमोट करें ना. खवातीन को स्कूटर सिखाने चलाने की वीडियो मैंने बनाई. सुभानअल्लाह. सिखाया जबरदस्त. दो लेसन दिए, कराची आके सिखाया. उसके साथ ईवी स्कूटर उसको कहा लो चलाया, गिराया. गिरने के बाद इंसान सही राइडर बनता है. बाइक से नदियों से ना गिरे, बाइक से गिरे. आए नजर आपको इसकी आवाज सुनाते हैं. अच्छा जब तक बाइक सुनेंगे नहीं ना तब तक सुन के मजा आता है बाइक में. जब तक बाइक को सुनना जो है ना वो बड़ा जरूरी है. बैठ के इधर आओ ना, पीछे आओ. ट्राई एंड दिस वन. इधर इधर ट्राई एंड स्टार्ट दिस वन. हम स्टार्ट करते हैं यार, आप करें ना. ये है 1900 सीसी. चलें हम इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि कैसी आवाज आती है. अच्छी लगती है? नहीं आप करें, वहां से करीब आवाज आएगी. अच्छी आवाज है, दूर से हल्की सी आवाज आती भी नहीं है. पहले से क्यों परेशान हो? क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा होती है. नहीं मजे की होती है, मुझे बड़ा मजा आता है. अच्छा ये तो ये बाइकें पूरी हो गई. हमने सर्विस एरिया देख लिया, एक्सेसरीज देख ली. सर्विस एक्सेसरीज. एक्सेसरीज में पहले लिटरली ये भी प्रॉब्लम होती थी कि जूते मंगाना एक मजाक था यार. क्योंकि वो वही वाला रूटीन होता था. सही है. रिश्तेदार कोई ढूंढो, फिर कोई आता जाता हुआ ढूंढो जिसको ऑर्डर करके उनके यहाँ पहुंचा के वो उठा के लेके. सही है. वी हैव नाउ एवरीथिंग एक्स स्टॉक. तो यहाँ ऑल साइजेस, नियरली ऑल साइजेस. नहीं होता तो वी हैव द लाइन. हमारे पास एक लाइन है जो लाइन और चैनल है वो पीआर पैकेज वगैरह आप देते हैं प्यार में दोस्तों को? पीआर पैकेज बिल्कुल बिल्कुल देते हैं. मैं मजाक कर रहा हूं. हम लेंगे इंशाल्लाह. बाइक में हम डिस्काउंट लेंगे आपसे. वो क्लब सैंडविच की शक्ल में देते हैं. अच्छा सैंडविच भी है? हां हां बिस्मिल्लाह. अच्छा अच्छा, वो आपने बताया था कैफे भी है. अभी आप कैफे. तो ये बेसिकली आपका ऐसी जगह है जहां पे सारे दोस्त जो इकट्ठे होते बैठते हैं. दिस इज द हेड क्वार्टर. This is the headquarters sitting. So, खाना आ चुका है. अब हम खाना खाने जा रहे हैं और ये था आज के एपिसोड. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अगेन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि गाड़ी इतनी मजे की थी कि मैंने ज्यादा टाइम गाड़ी पे लगा दिया और फूड के लिए कम टाइम रह गया.
तो अब हम खाना खा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पार्क विद व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जितनी वीडियोस हैं आपको सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाकों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।